ऐसा बिजनेस आइडिया आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। दोस्तों इतना ज्यादा प्रॉफिट है इस बिजनेस के अंदर और इतना ज्यादा सिंपल है, इसे एक अनपढ़ व्यक्ति भी शुरू कर सकता है। इसके लिए कोई भी एजुकेशन की जरूरत नहीं पड़ने वाली है आप लोगों को। आप इस बिजनेस को अपने घर से शुरू कर सकते हैं, बाहर भी जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ने वाली है। मात्र 150 रुपए में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। 150 रुपए केजी आपको यह प्रोडक्ट मिलता है और इसे आप 2200 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। मैं आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सभी मार्केट्स के प्रूफ इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूं, वो भी डंके की चोट पर। अपन जो बिजनेस आइडिया बताते हैं कभी भी कोई फेक बिजनेस आइडिया नहीं बताते हैं। अपन प्रूफ के साथ में कोई भी बिजनेस आइडिया लेकर के आते तो बिल्कुल प्रूफ के साथ में हम आपको बताते हैं। आपको कहीं पर भी नुकसान होने वाला नहीं है। मैं आपको कोई भी किसी भी चीज के फ्रॉड के बारे में कभी भी नहीं बोलता हूं। मैं नहीं चाहता कि अगर मेरे सब्सक्राइबर को कोई गलत मोटिवेट करे, ठीक है। अगर मेरे एक वीडियो से अगर मेरा एक भी सब्सक्राइबर इस बिजनेस को ज्वाइन करता है तो मुझे दिल से बहुत खुशी मिलती है और मैं यही सोचता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर्स को कामयाब करके दिखाऊं इस इंडिया के अंदर। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, अगर आपके पास में 2 मिनट का टाइम है तो मेरे इस वीडियो को ध्यान से जरूर सुनिएगा, क्योंकि आपके भविष्य के अंदर यह चीज आपके बहुत काम आने वाली है। दोस्तों आप मेरे भी वीडियोस देखते होंगे बिजनेस आइडिया, जो भी बंदा बिजनेस आइडिया सर्च कर रहा है तो सभी बंदों के बिजनेस आइडियाज को देखता है, सभी यूट्यूबर्स के। मेरे भी देखते होंगे, अपने काफी बड़े बड़े यूट्यूबर्स के बिजनेस आइडियाज को भी देखा होगा, जिनके 5 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 50 लाख, 20 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं जो जितना ज्यादा बड़ा यूट्यूबर होता है उतना ही बड़ा स्कैम भी करता है। आपने कभी नहीं सोचा होगा लेकिन आज मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, उनके वीडियोस देखते हो, वो आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग लघु उद्योगों के बारे में बताते हैं। वो आपको एक मशीन का डेमो दिखाते हैं कि ये एक मशीन है, इस मशीन से आप इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं, इतना ज्यादा प्रॉफिट आप इस मशीन से कमा सकते हैं। आपको बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाते हैं, आपको इतना ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं, इतना ज्यादा कर देते हैं कि आप तुरंत रेडी हो जाते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, उस मशीन को खरीदने के लिए। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं जो ये बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये जो जिस बंदे की मशीन है, जो कंपनी मशीनों को बनाती है वो इनको पे करती है अलग से। कोई 20,000 देता है, कोई 25, कोई 30,000 रुपए देता है। उसको क्या करना होता है, उसको ये बोलते हैं भाई सिंपली तुम अपने चैनल के ऊपर हमारी मशीन का प्रमोशन कर दो, लोग इसे खरीदेंगे तो उसको वैसे बेनिफिट होने वाला है कंपनी को। और उसको बेनिफिट कैसे हो रहा है, यूट्यूब तो पेमेंट देता ही है, वो तो आएगा ही आएगा। दूसरा जो मशीन के थ्रू जो मशीन का प्रमोशन कर रहा है वो भी उसको पैसे दे रहा है, हो गई ना डबल इनकम। डबल इनकम के चक्कर में ये लोग हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को बिल्कुल गलत जगह पर फंसा देते हैं और हमें नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि जितना वो प्रोडक्शन बताते उतना होता नहीं है। अगर हो भी जाता तो हमें फिर मार्केटिंग के लिए भटकना पड़ता है क्योंकि हमारे पास इतना नॉलेज नहीं है। अगर हमारे पास बहुत ही ज्यादा पैसा होता तो हम खुद से ही बहुत बड़ा प्लांट लगाकर बिजनेस करते ना, क्यों तुम्हारे यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस देखते। ये भी तो बात बिल्कुल सही है ना, अगर आपके पास में बहुत सारा पैसा होता तो आज आप हमारा ये वीडियो नहीं देख रहे होते, क्योंकि आपके पास पैसा कम है, आप पैसा कमाना चाहते हो इस वजह से आप इस वीडियो को देख रहे हो। ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं है? मैं आपको कभी भी ऐसी जगह पर नहीं लेकर जाऊंगा जहां पर आपके साथ में फ्रॉड हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देकर के आपको बताता हूं, बहुत ही छोटा एग्जांपल जो कि मेरे दिमाग में अभी आ रहा है। दोस्तों अपने कॉटन वीक मशीन आती है जो कि रुई बनाती है, उसके वीडियोज आपने देखे होंगे। काफी ज्यादा यूट्यूबर्स होते हैं, नई नई लड़कियों को बिठा देते हैं, नई नई लड़कियों से इंट्रो करवाते हैं, हम इंप्रेस हो जाते हैं, क्या पता ये पट जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या करते हैं, फिर हम उसमें डिस्क्रिप्शन नंबर देखते हैं, हाय हेलो करते हैं। कई लोग तो उसको पटाने के चक्कर में होते हैं, दूसरे क्या होते हैं मशीन खरीद लेते हैं, बेचारे घर बैठ जाते हैं मशीन खरीद के। कंपनी बोलती है कि हम वापस आपसे जो भी माल तैयार करोगे हम आपसे वापस खरीदेंगे, आप हमें बना करके देना। अरे यार जब इतना प्रॉफिट है इसके अंदर, 50,000 लाख, 2 लाख रुपए प्रॉफिट बताते हैं, अगर इतना ही प्रॉफिट है इस बिजनेस के अंदर तो फिर आप खुद ही कोई 2-4 बंदों को हायर करके खुद ही क्यों काम नहीं करवा लेते, उससे तो आपको डबल ट्रिपल इनकम होने वाली है। जब आप किसी को मशीन बेच के उसे माल ले रहे हो तो इससे अच्छा है ना कि आप मशीन भी अपने अपने पास रखो, आपको 8-10-15 हजार में काफी लेडीजें मिल जाएगी काम करने के लिए, रुई बनाने के लिए, वहीं से आपको दिन का 2-3 हजार मिल जाएगा। तो हम लोगों को क्यों बेवकूफ बना रहे हो, होता है कि नहीं होता है? तो इस प्रकार से पता नहीं कितना ज्यादा फ्रॉड आपको मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। लेकिन कोई भी बिजनेस करने से पहले सोच समझ के कोई बिजनेस के लिए कदम उठाना, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। मैं आपको हमेशा वाकिफ कराता रहूंगा, अगर आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसके अंदर पूरी सच्चाई नजर आएगी,
ठीक है। हालांकि मैंने भी एक दो वीडियोज ऐसे डाले थे कंपनीज के प्रमोशन के, मेरे पास आज भी आपको प्रूफ दिखा सकता हूं, इतने ज्यादा प्रमोशन आते हैं, लोग बोलते हैं हमारा बिजनेस का प्रमोशन करिए, हमारे बिजनेस का प्रमोशन करिए, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि इसके अंदर मेरे सब्सक्राइबर कल को मुझे गालियां देंगे, कल को मुझे बोलेंगे कि इस बंदे की वजह से हमारे साथ धोखा हुआ है। ठीक है, मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं अगर आगे बढ़ू तो ईमानदारी के साथ बढ़ू, एक गलत सोच के साथ में नहीं बढ़ू। मैं चाहता हूं कि आगे मैं खुद भी बढ़ू, मैं अपने फ्रेंड्स को भी आगे लेकर के चलू, मेरी जो सब्सक्राइबर फैमिली है उनको भी मैं आगे लेकर के चलू, जिससे वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिट कमा सके, अपनी लाइफ के अंदर अपने पैरों पे खड़ा हो सके, अपने फैमिली को, अपनी जो भी परिवार है उसका पालन पोषण कर सके, एक अच्छे बिजनेसमैन बने, मेरे से बड़े बिजनेसमैन बने, जिससे मेरे को और भी ज्यादा खुशी होगी अगर आप मेरे से बड़े बिजनेसमैन बनेंगे। मेरे खुद के भी ऑफलाइन बिजनेस है, मैं उनको भी संभालता हूं, लेकिन बिजनेस आइडियाज भी देता हूं, क्योंकि शुरू से ही मेरे दिमाग में बिजनेस आइडिया वाला माइंड था, कभी मैंने नौकरी के बारे में सोचा नहीं। मैंने मास्टर डिग्री कर रखी है, MCA कर रखी है मैंने, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, जो कि टॉप 10 के अंदर यह यूनिवर्सिटी आती है, वहां से मैंने MCA कर रखी है, लेकिन मैंने कभी भी जॉब के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया, सिर्फ इस वजह से कि मैं भी एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूं, मैं मेरे साथ वाले लोगों को भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन आज मैं जो बिजनेस आइडिया आप लोगों को बताने वाला हूं, इस बिजनेस के अंदर 150 रुपए में आप इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, जहां से खरीदेंगे वहां की डिटेल इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद में आपको इसका पाउडर बनाना है, इसका यूज कहां होता है, सबसे पहली चीज इसका यूज कहां होता है, ये किस चीज में यूज आता है ये भी आपको दिखाऊंगा, और इसका जो पाउडर होता है उसकी प्राइस क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और आप इसे कहां पर सेल कर सकते हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। सारी चीजें इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूं, वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, नुकसान खा बैठोगे। मेरी बात को ध्यान से समझना, गौर से सुनना। और रही बात दोस्तों दूसरी मोबाइल नंबर की, तो काफी लोग बोलते हैं सर आप अपना मोबाइल नंबर नहीं देते हो। दोस्तों मेरे एक वीडियो को 50,000,00,000, 2,00,000 पता नहीं कितने लोग देखते हैं, अगर मैं कॉन्टेक्ट नंबर अपना दे दूंगा वीडियो के अंदर तो मैं तो फोन पे ही परेशान हो जाऊंगा, पता नहीं कितने ज्यादा लोग मेरे को कॉल करेंगे, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सबके कॉल भी हैंडल करूं, सारी चीजें करूं। इस वजह से अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कोशिश होगी जहां तक हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो देखते रहिए वीडियो को एक नए बिजनेस के। मोरिंगा का पाउडर बनाने के लिए आप पहले मोरिंगा यानी सहजन की पत्तियों को अच्छे से धो लीजिए, उसमें देख लीजिए कि कुछ भी रह ना जाए, कुछ भी गंदगी या कुछ भी कण उसके रह ना जाए, तो उसको आप अच्छे से साफ पानी से साफ कर लीजिए। ये देखिए मैंने धोने के बाद इसको एक साफ कॉटन के कपड़े में ऐसे बिछा सी दी है। आप भी कोशिश करिए पत्तियां ज्यादा एक के ऊपर एक ना रहे, जिससे कि वो अच्छे से सूख पाए। अगर आप इन्हें ज्यादा तेज धूप में डाल देंगे तो फिर इसकी पत्तियों का जो कलर है वो उड़ जाएगा, चला जाएगा, इसलिए कोशिश करके आप इस कपड़े में ही फोल्ड करके सुखाइए। 3-4 दिन बाद देखिए ये ऐसे जब आप क्रश करेंगे तो अच्छे से आवाज करेंगी, इसका मतलब आपका पाउडर बनने के लिए रेडी है और आपकी जो पत्तियां हैं वो अच्छे से सूख चुकी हैं। आप एक बार इसमें फिर से देख लीजिए कहीं कोई पीली पत्ती या फिर थोड़ी खराब पत्ती ना हो। इसके बाद आप इसको अपने मिक्सर ग्राइंडर में ऐसे डाल लीजिए। आप ध्यान दीजिए जो आपका कैन है या फिर जो पैन है मिक्सर ग्राइंडर का वो बिल्कुल भी गीला ना हो, जिससे कि आपका जो पाउडर है वो एकदम ड्राई रहे, नहीं तो वो पाउडर आपका थोड़ा सा भी उसमें पानी रहा तो खराब हो जाएगा। तो ये देखिए मुश्किल से 10 सेकंड चलाने के बाद आपका मोरिंगा पाउडर या सहजन का पाउडर रेडी है। इसको आप गर्म पानी में रोज 1 स्पून, मैंने आपको उसमें बताया था कितना आप डोसेज ले सकते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप मेरी प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं, तो आप ले सकते हैं। तो अभी देखिए ये थोड़ा सा मोटा है, तो अब इसको, तो ये देखिए हमने पतली बारीक छन्नी से छान लिया है, तो जिसमें क्या है जितने मोटे कण है वो निकल जाएंगे। अब आपका मोरिंगा का पाउडर यानी सहजन का पाउडर रेडी है। इसको आप एक कांच की किसी भी बोतल, छोटी बोतल में करिए जो फिर एयर टाइट हो, और ये देखिए कितना रेडी हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसकी पत्तियों की बात करते हैं। दोस्तों इसकी पत्तियों को हम नेचुरल मल्टीविटामिन भी बोल सकते हैं, सबसे ज्यादा पौष्टिक इसकी पत्तियों में पाया जाता है। अगर आप सप्लीमेंट में लेना चाहें इसके कैप्सूल भी मिल जाते हैं और पाउडर फॉर्म भी मिल जाता है। अगर आप इसे कंज्यूम करना चाहते हैं तो पाउडर फॉर्म मत लीजिएगा, क्योंकि उसकी स्मेल आपको मेहंदी की तरह लगेगी। उसे या फेस पैक वगैरह के एज ए यूज़ कर सकते हैं या फिर चाय में यूज़ कर सकते हैं। आप इसके कैप्सूल ही यूज़ कीजिएगा। अब हम बात करते हैं इसके फ़ायदों की। दोस्तों आपको पता है कि आप दिन भर सारा दिन घूमते हैं, कई चीज़ें खाते हैं,
तो उसके आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी ऑक्सीडेंट्स हैं जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के काम आता है, जो आपकी बॉडी से कई तरह के बैक्टीरियाज को भी निकाल देता है। इसके अलावा अगर आपको कोई फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, इसमें आपको फंगल इन्फेक्शन नहीं होने देता। उसके अलावा आपको बुखार है या फिर आपके कान दर्द हैं या फिर आइज़ में कोई प्रॉब्लम है, इन सभी तरह की इन्फेक्शन को ये दूर कर लेता है अगर इसकी पत्तियों के कैप्सूल या फिर पत्तियां आप उबाल कर पीते हैं तो। तो दोस्तों ये फ़ायदे हो गए इसकी पत्तियों के। अब हम बात करते हैं कि इसकी जो सब्ज़ी बना के खाई जाती है जिसे हम ड्रम स्टिक्स बोलते हैं, लोगों को सब्ज़ी बहुत कम पसंद आती है इसकी, बट फिर भी लोग खाते हैं जिन्हें इसके फ़ायदे पता है। इसकी सब्ज़ी में यानी कि ड्रम स्टिक्स में सबसे ज़्यादा फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए इसकी फलियों की सब्ज़ी खाई जाती है। दूसरा ये इसका फ़ायदा है कि ये आपके लीवर को डिटॉक्स करने का काम करती हैं, लीवर के लिए आपके बहुत अच्छी है। ये आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, अगर आपको हाई बीपी है तो उसे लो करने का काम भी ये करती है। उसके अगला बेनिफिट इसका है कि अगर आपको जॉइंट्स की जॉइंट पेन की प्रॉब्लम है, खासकर हिमाचल साइड में ऊपर के पहाड़ों में हो जाती है, तब लोग इसे इसकी सब्ज़ी खाते हैं रेगुलर, ताकि उन्हें जॉइंट्स की प्रॉब्लम ना हो। अगला इसका फ़ायदा है कि इसके सीड्स या फिर इसके तेल की, इसके तेल भी आता है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, वही इसके सीड्स में भी वही फ़ायदे हैं जो कि इसके पत्तों में हैं। लाइक इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, एंटी इन्फ्लामेटरी, ये एक एंटीबायोटिक का काम भी करती हैं। अगला जो बेनिफिट है वो है कि आपके स्पर्म काउंट बढ़ाने के भी ये काम आती है इसकी, अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं कैप्सूल फॉर्म वाला वो, और अगर इसके आप बीज खाते हैं तब भी। इससे अगला बेनिफिट है कि ये आपको सेक्सुअल बेनिफिट भी देती है, अगर आप यौन शक्ति आपकी कम है तो उसे भी बढ़ाने के ये काम आती है। इसके अलावा अगर आपको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है तो उसे भी क्योर करने का ये काम करती हैं। इतने ज़्यादा बेनिफिट हैं इसके तेल के और इसके बीज के। अब हम बात करते हैं कि इसके फूलों के क्या फ़ायदे हैं। इसके वाइट या फिर लाइट येलो कलर के फूल होते हैं, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। तो जो माताएं दूध पिलाती हैं अपने बच्चों को, तो उनका ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने की या फिर उनकी क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए आप इसके फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कई लोगों को यूरिनरी प्रॉब्लम रहती हैं, उन्हें भी ये क्योर करने का काम करता है। अगर कुछ लोगों को कोल्ड की प्रॉब्लम है या एक जुकाम वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, तो उसे भी सही करने में इसके फूल बहुत ज़्यादा कारगर हैं। इसकी लकड़ी से गम निकाला जाता है, गोंद निकाला जाता है, उसके भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, जो कि अस्थमा के लिए फ़ायदेमंद है। इसकी गोंद से अस्थमा का इलाज भी किया जाता है, उसकी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि इसकी लकड़ी जो है वो किस काम आती है। अगर आपको कोई कार्डियक प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसमें। इसके अलावा ये एक नेचुरल टॉनिक भी है, जो कि आपको एनर्जेटिक रखने में और स्वस्थ रखने का काम करती है। तो दोस्तों ये सारे इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं एक मोरिंगा के पेड़ के। वीडियो में मैं बताना भूल गया था कि मैं कौन सी बिज़नेस के बारे में बताने वाला हूँ। मैंने आपको ये तो बता दिया कि 150 रुपये केजी आपको मिल जाएगा, और अब ये 2200 रुपये कम से कम में सेल होता है, लेकिन मैं भूल गया था। लेकिन अब आपको बता देता हूँ दोस्तों, मैं बात कर रहा था मोरिंगा पाउडर की। मोरिंगा और सहजन, मतलब सहजन जो होता है उसको मोरिंगा भी बोलते हैं। इसके काफ़ी ज़्यादा नाम है, मोरिंगा, मोरिंग, पता नहीं क्या क्या किन किन नामों से इसे जाना जाता है, लेकिन मोस्टली जो नाम होते हैं उनको मोरिंगा और सहजन के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपके सामने की अमेजोन की वेबसाइट पर आपको जस्ट थोड़ा सा दिखाने के लिए एज ए प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मोरिंगा पाउडर जो है उसकी प्राइस आप देख सकते हैं यहाँ पर 225 रुपये पर 100 ग्राम के ऊपर है। 225 रुपये का यह 100 ग्राम पाउडर मार्केट के अंदर अभी सेल हो रहा है। आप देख सकते हैं आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक लाइसेंस लेना होता है,
जो कि हर बिजनेस के लिए लाइसेंस लेना होता है। लाइसेंस लेने के बाद में आपको जो है कोई भी बॉक्स टाइप में आपको तैयार करवा लेने, अपना खुद का एक ब्रांड बना लेना है। ब्रांड बनाने के बाद में इस टाइप से जो है पैकिंग आपको दिख रही है इसके अंदर, इस टाइप से आपको पैक करना है सिंपली। बस पैक करके आपको मार्केट के अंदर इसे सेल करना होगा। आप चाहे इसे अमेजोन की वेबसाइट या फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर भी सेल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको, आप जैसे हमारा जो ऑफलाइन मार्केट होता है वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। ऑफलाइन मार्केट जैसे परचून की दुकान टाइप में हो गए, मेडिकल्स वगैरह हो गए, तो यहाँ पर भी आप इनको सेल कर सकते हैं। अगर वहाँ पर भी नहीं कर सकते तो मैं आपको थोड़ा आगे और भी दिखा देता हूँ। जो लोग इसे खरीदने में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और आप उनसे एक फ़ोन कॉल के थ्रू उन लोगों को यह माल प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो वो मैं आपको थोड़ा सा वीडियो के अंदर आगे दिखाने वाला हूँ। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा दोस्तों। जैसे आप यहाँ पे 225 रुपए का मार्केट में ये सेल कर रहा है, ये जो बंदा है इसने पाउडर बनाया और ये इतने में सेल कर रहा है 225 रुपए। अगर आप यहाँ पे 225 की जगह अगर आप इसे 150 रुपए में भी सेल करेंगे ना, तो इसका जो मार्केट है वो डाउन हो जाएगा और आपका मार्केट हाई हो जाएगा। आपके ब्रांड को लोग ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे। आप एक क्वालिटी दोगे अगर अच्छे से तैयार करके, अगर पैकिंग करके बना करके दोगे तो आपका ज़्यादा बिकेगा। ये तो है नहीं कि 150 रुपए में आपको कोई नुकसान हो रहा है, कहीं पर भी आपको नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि 150 रुपए केजी तो बिक ही रहा है, मिल ही रहा है। और 100 ग्राम आपको बनाना है, 100 ग्राम देख लो कितने का पड़ गया, आपकी कितनी कॉस्ट पड़ जाती है। मतलब कहने का मतलब आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, नुकसान कहीं पर भी इस बिज़नेस के अंदर आपको नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों मैं अब आपको लेकर के चलता हूँ दूसरी वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि 150 रुपये केजी कहाँ पर मिलता है। दोस्तों मोरिंगा पाउडर जो होता है वो मोरिंगा की पत्तियों से बनाया जाता है। तो आपने वीडियो में पहले देख लिया होगा कि कैसे बनाया जाता है। तो इसकी जो पत्तियाँ होती है ना, वो आपको 150 रुपये किलोग्राम के हिसाब से ये बंदा इसे बेच रहा है। इंडिया मार्ट की वेबसाइट आपके सामने ओपन है, तो मैं इंडिया मार्ट की वेबसाइट के ऊपर आपको दिखा रहा हूँ। 150 रुपये पर किलोग्राम के ऊपर आप यहां से इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों यह 150 किलोग्राम जो आपको दिख रही है यह फिक्स नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको 150 रुपये किलोग्राम के हिसाब से यह मिलेगी, इसका रेट है वो कम बत्ती भी हो सकता है। अपनी अपनी लोकेशन के हिसाब से इसका रेट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। चाहे तो आप इसे ऑफलाइन मार्केट से भी खरीद सकते हैं, जो लोग इसे खेतों में उगाते हैं तो वहाँ से भी ये पत्तियाँ आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं खरीदना चाहते तो आप इसकी वेबसाइट के ऊपर जाकर ये जो कोल्लाओ का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, इनसे बातचीत कर सकते हैं। कितना मात्रा में आपको यह चाहिए तो आप अपने घर पर इसे मंगवा सकते हैं और सिंपली इसे सुखाने के बाद में आप इसका पाउडर आसानी से बना सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ इसके बायर्स की कि इसके बायर्स आपको कहाँ पर मिलने वाले हैं। तो चलिए आगे की वीडियो के अंदर हम इसे यह भी बता देते हैं कि बायर्स कहाँ मिलने वाले हैं। दोस्तों इंडिया के अंदर exportsindia.com एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आप किसी भी प्रोडक्ट को एक फ़ोन कॉल के माध्यम से यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ मोरिंगा लीफ पाउडर, ऊपर लिखा हुआ एक वेरीफाइड एम्प्लॉई है, आई एम इंटरेस्टेड इन बाइंग मोरिंगा लीफ पाउडर। यह इंडिया का बंदा है, इसने यह पोस्ट की है 2020/8/14, मतलब 14 तारीख को इसने यह पोस्ट की है, 14/8/2020 को इनको मोरिंगा पाउडर चाहिए। नीचे भी देखिए काफ़ी सारे आपको बायर्स यहाँ मिल जाते हैं, एक ही बायर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बायर्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इस पाउडर को आप इंडिया या इंडिया से बाहर भी सेल कर सकते हैं। अगर आप इन्हें सेल करेंगे तो आपको इनके जो व्यू डिटेल का ऑप्शन दिख रहा है ऑरेंज कलर में, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये देखिए यहाँ पे 500 किलोग्राम पर केजी, 500 किलोग्राम मतलब इसको 500 किलोग्राम की मात्रा चाहिए, जो पाउडर चाहिए मोरिंगा का, इसको 500 किलोग्राम यह पाउडर चाहिए। तो आप इन्हें सेल कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टैक्ट बायर करना ऑप्शन दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर में, तो इस पर क्लिक करके आप अपनी थोड़ी सी डिटेल फीड करके इनसे बात करके इन्हें आसानी से घर बैठे ही सेल कर सकते हैं।